जो ये लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, इस कॉइल को आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ये है, अगर हमारा स्पीकर अच्छा चला तो क्वालिटी तो ये आप देख सको, देख पा रहा हूँ मैं, जैसे काफ़ी लगता है कि ये हीट आराम से झेल ले कोई भी, जैसे कोई भी। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास है कुंजर कंपनी का कॉइल, इसे अभी हम लोग ओपन करते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो कंपनी है वो दावा करती है कि इनका कॉइल जो है सबसे ज़्यादा, जो हमारे पास जो कॉइल आते हैं सबसे ज़्यादा जो है हीट सह सकती है, ऐसा इनका ये है। और ये कंपनी बोलती है कि हम लोग स्पेशल ग्लू का यूज़ करते हैं जो कि आपका जो कॉइल को ज़्यादा देर तक टेम्परेचर को सहने की क्षमता जो है उसकी बढ़ा देता है। तो चलिए इसको अभी ओपन करते हैं, कैसा है कॉइल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्राइस के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये जितना पीस चाहिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको होलसेल प्राइस में भी चाहिए जैसे एक दो डब्बा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। तो बॉक्स में क्या क्या मेंशन हुआ है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय कुंजर परफॉर्मेंस आइडियो, ये जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, और ये जो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे मेड विथ इम्पोर्टेंट यूएसटी ग्लू, ये इनका स्पेशल ग्लू है जो ये लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, इस कॉइल को बनाने के लिए इनके पास सारे 2 इंच से लेके 160 mm इनके पास जो कॉइल है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे इनका और डिटेल्स आप देख सकते हो कॉइल के बारे में। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बेयरिंग कॉइल ये देखो, और 4/8/16 ohms वाइज कॉइल, ऑल साइज अवेलेबल 25-460 mm। ठीक है, ये तो इतना ही इनका ये है, ये देखो, और इनसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ये इनका पेज है, और यहाँ पे ये देखो, ये इनके ब्रांडिंग है, मेड इन इंडिया है, और यहाँ पे कुंजर की ब्रांडिंग। तो चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं हम लोगों को क्या कैसा कॉइल जो है देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, अभी इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे अपने स्पीकर में, और देखेंगे कि हमारा जो स्पीकर है वो कितना जल्दी उड़ता है। अगर हमारा स्पीकर अच्छा चला तो ये कॉइल वाकई में अच्छा है। तो ये अभी मैं टेस्टिंग के लिए इसको मंगाया हूँ, ये देखो इतना पीस, मतलब मैं ये जो है 6 डब्बा 7 डब्बा मंगाया हूँ। तो अभी चलो इसको देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है कुंजर सॉरी परफॉर्मेंस आइडियो, और 114.3 mm और 1800 W 8 ohms। ये जो है 4.5 inch में लगने वाला है, बाकी कॉइल से ये हार्ड है। ये देखो दबा रहा हूँ मैं इसको, ये दब नहीं रहे, ये देखो। और इसके आप तार्स भी देखेंगे ना, जो यहाँ पे वेंडिंग किया गया है वायर्स को, ये काफ़ी लगता है कि ये हीट आराम से झेल लेगा उतना हीट। ये ऑलरेडी हीट है ऐसा लग रहा है, ये देखो, ये देखो। तो क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है। और ये जो छोटे छोटे होल्स दिए हैं, आप गौर करना, कोई भी जैसे कोई भी आप वो लोगे ब्रांड का, तो इतने सारे छेद नहीं होते जितने इसमें हैं। इसमें बहुत सारा छेद दिए गए, ये देखो। और इनकी पेपर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पे, ये देखो। ये तो ये जो कॉइल काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे को। अब मैं इसे यूज़ करूँगा, इसे डालूँगा अपने स्पीकर में, और उसके बाद चेक करूँगा। और कंपनी बोलती है कि इससे आपका बेस जो है, आप इस कॉइल को यूज़ करने से आपका बेस इन्हेंस हो जाएगा, अच्छा बजने लगेगा, टोन भी काफ़ी अच्छा आता है इसमें, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। तो अपन इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद एक और रिव्यू देंगे, और कौन से स्पीकर में मैं इसको डाल रहा हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो चलो अपने हम लोग जो है अपने उस दुकान में जाएंगे। उस दुकान में जो है ये जो कुंजर का कॉइल है इसे हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे इसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। हम लोगों ने एक स्पीकर बनाया है नॉर्मल कॉइल से, जो कि वो भी सेम ही रेट का है लगभग, लेकिन इसमें जो कंपनी ने जो कहा है कि इसमें आपका बेस इन्हेंस हो जाएगा, कॉइल जो है लंबा टिकेगा, तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे और दोनों स्पीकर को हम लोग बजाएंगे इस गणेश सीजन में। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अगर दोनों स्पीकर में से कोई भी डैमेज होगा तो वो भी आपको अपडेट देंगे। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं अपने उस वाले गोडाउन में और इसको अपने कॉइल स्पीकर में लगाते हैं और क्या परफॉर्मेंस मिलता है
ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो अभी चलो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमारे पास है ये स्पीकर, ये देखो, ये है 451 मॉडल ATI प्रो का, और इसमें हम लोग ये कॉइल जो है डाल रहे हैं, ये देखो, कुंजर प्रोफेशनल कॉइल, परफॉर्मेंस कॉइल, सॉरी, 114.3 और 18 mm। तो ये कॉइल अभी हम लोग डालते हैं इसमें, और इसमें भी हम लोग डाले हैं ये पीले चेचिस में, ये भी पीला चेचिस में हम लोग डाले हैं, ठीक है। तो अभी रिस्पांस जो है देखेंगे, इसमें हम लोग अलग कॉइल डाले हैं, जो 451 मॉडल है इसमें हम लोग अलग कॉइल डाले हैं, इसमें हम लोग डाले हैं कुंजर का, तो देखते हैं। और ये सब चीज़ भी हम लोग निशान रखा लगा के रखेंगे, ताकि समझ में आए कि कौन से स्पीकर में कौन सा कॉइल डला है, ठीक है। तो चलो अभी इसको डालते हैं, उसके बाद सूखने के बाद इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, जब ये बन जाएगा तब मैं आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। अगर ये कॉइल आपको चाहिए, ये कॉइल आपको चाहिए कुंजर कंपनी का, तो आप हमारे शॉप से सिंगल पीस भी ले सकते हैं। आपको अगर ये बल्क में चाहिए तो बल्क का भी प्राइस आपको अलग पड़ेगा, सिंगल पीस का प्राइस आपको अलग पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं और इसको डालते हैं, फिर हम लोग इसको दो चार बुकिंग टेस्टिंग करेंगे। अच्छा रिस्पांस रहा, साउंड अच्छा आया, तो फिर यही कॉइल हम लोग जो है डालेंगे सब स्पीकर में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।